नवरात्रि के दिनों में विभिन्न मंदिरों में पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा हुई। कई जगह माता की चौकी का आयोजन भी किया गया। मंदिर में सुबह से रात तक माता के जयकारों की गूंज सुनाई दी। महारानी वैष्णो मंदिर में भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। मंदिर के प्रधान जगदीश भाटिया ने बताया, वैष्णो माता मंदिर में पूजा करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। सुबह शाम की आरती में भी हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं। मंदिर में रोजाना अलग अलग तरह से प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। जो भक्त मंदिर में आरती के समय नहीं आते, वो भक्त ऑनलाइन आरती में शामिल होते हैं। उन्होंने बताया, नवमी से एक दिन पहले अष्टमी वाले दिन मंदिर में भव्य जागरण का आयोजन किया जाएगा और जिस दिन नवमी पूजी जाएगी, उस दिन कन्याओं को माता के रूप में पूजा जाएगा। इसके साथ पूरे 9 दिन मंदिर में कीर्तन भजन होते रहते हैं। प्रधान सेवक रानी वैष्णो देवी मंदिर फरीदाबाद। ये तो महारानी की कृपा है जो उनको बुला रही है। हम कौन होते बुलाने वाले, वो कौन होते आने वाले। ये महारानी की कृपा है जो उनको बुला रही है। आज महारानी की पांचवा नवरात्रा है और सबके घरों में खुशियाँ ला रहा है और आगे भी खुशियाँ लाएगा। चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं तो इनकी क्या विशेषता रहती है और किस तरीके से पूजा की जाती है? देखो, चैत्र नवरात्रि तो नया साल हमारे हिंदुओं का इसी दिन नवरात्र शुरू होता है। जो अंग्रेजी साल है वो 1 जनवरी शुरू होता है, मगर जो चैत्र नवरात्रि जो होते हैं तो पहला साल नया साल ही शुरू होता है।